पब्लिक नु हसाना मुश्किल आ के आसान, लाइव पब्लिक नु हसाना मुश्किल, लाइव ही हसाना मुश्किल है। मतलब टीवी दे या किसे मतलब तुसी कर रहे हो, टीवी ते भी मुश्किल है तुहानू, मतलब फनकार होना पैना, थोड़ी आमद होनी चाहिए। आमद नहीं है तो टीवी ते खैर लिखिया दे वाला मिल जांदा बंदा, एक्टर एक्ट वाला आर्टिस्ट होए तो कर लैंदा। थिएटर जेड़ा ना वो तुहानू लाइव उहदे च गलती गुंजाइश निश्ता फ्लो च कोई भी मुंह चो लफ्ज़ निकल गया तो सख्ती भी आ सकती है, कमबख्ती भी आ सकती है, ऐसा तोड़ना पैंदा फिर बोलना पैंदा। अच्छा मैंने सर इंतजार करना पैंदा एक लम्हे च, इधर भी करैक्टर आ रहा, इधर भी आ रहा, सामने भी आ रहा, उन्होंने क्यू तो याद रखने पैदा ने, इतने तो कट टू कट हो जाता, कट नहीं हूँ दोबारा, उत्थे नहीं उत्थे। इसका मतलब सर जी इसमें बहुत मुश्किल आती है। हाँ जी बहुत मुश्किल आती है। जैसे आप शूट करना है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आए, आपकी वजह से देर हो रही है, तो आप अभी इंटरव्यू के चक्रों में पड़े हैं। नहीं, मैं एक बात क्लियर करता चाहूँ कि मैंने पढ़ा है साइंटिफिकली कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम मोहसिन भाई किसी दूसरे को हंसाना है। ठीक, कॉमेडी बहुत मुश्किल चीज़ है और जैसे आप अक्सर सड़े हुए होते हैं। अच्छा यार कैसी बात है अली भाई, ऑडियंस को हंसाते हैं और अपना दुख छुपाते हैं। पक्की गल है ना, मतलब उन्होंने देखो आए ने तुम देखने वास्ते, मतलब जेन लैके आए कि यार इंजॉय करा ड्रामा से देखा, तो अगर थोड़ी प्रॉब्लम है कि थोड़ा बच्चा बीमार है या बेगम बीमार है या वालद का बीमार नहीं या कोई पोतरी हो गई या कुछ ही, वो टाइम जरा ना सू देना पैदा करना पैदा, वो दुख में पिछे रख के मतलब अपना परफॉर्म कर। क्या बात है सर, शहरी शहरी खान साहब माशाल्लाह बेस्ट आर्टिस्ट सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अभी आपका डिजिटल रंगीले का सेगमेंट दूसरा स्टार्ट होने लगा। हाँ जी, मौसम का इंतजार है, बस इधर बैठ के गले चबरा, यही लेट करता भी 7 बज गए, अभी मैंने ऑफिस का भी शूट करना है दूसरा और मैंने मेरा मूड जल्दी जाने का है आज। वैसे आज नदीम ने बड़ा बेड़ा करा दिया था। नदीम भाई, मैंने सुना आपने प्रोग्राम किया माशाल्लाह डिजिटल पे। मैंने डिजिटल रंगीले पे पहला। अरे जी वेरी गुड, कांग्रेट्स ब्रो। लेकिन उसमें काफी सारी मेरी कुताहियां थी, लेकिन मुझे सर ने गाइड किया, मैं नेक्स्ट कुताहियों को दूर करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्यों नहीं, क्यों नहीं गाइस। हमने प्रोग्राम्स वगैरह क्या बनाने थे, क्या लॉन्च करने थे और क्या अपलोड करने थे, ये हमने सारा कुछ सोचा हुआ है और इसको हम इंशाल्लाह जनवरी से ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे। बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं मेरे साथ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हमारे स्टूडियो में अल्लाह पाक का बड़ा करम है हमारे ऊपर कि सिंस वी आर इन द फील्ड ऑफ यू नो आर्टिज्म शोबिज़ एंड आर्टिस्ट टाइप की मेरी लाइफ है, आर्टिस्ट लोग ही होते हैं मोस्टली यहाँ पे। इवन कि अगर कोई सिस्टम पे भी बैठा है, इसमें मोहसिन भाई, मोहसिन भाई इधर अपना चेहरा कीजिएगा जी। अली भाई जी, ये मोहसिन भाई हैं, सिनेमाटोग्राफर एडिटर हैं, ये भी एक आर्टिस्ट हैं। तो यानी कि हालांकि हमारे स्टूडियो में हत्ता के कोई बच्चा भी बैठा ना, लेट मी शो यू इसका कैम नहीं होगा, सॉरी डबल टैप से आगे दिया, वो बैठा, वो सदा हुसैन माशाल्लाह हमारा चाइल्ड स्टार है। तो हर चीज़ ही बारीक है, सुरीली है, मज़े की है, क्यों नहीं भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तो तकरीबन हर स्टूडियो में ऐसा होता ही है, लेकिन एक हमारे पास ऐसी हस्ती है हमारे स्टूडियो में कि आप उनके सामने ठंडा पानी नहीं पी सकते, आप उनके सामने चॉकलेट नहीं खा सकते, आप उनके सामने चावल भी नहीं खा सकते ठंडे, आप उनके सामने पराठा भी नहीं खा सकते, कुछ खाया नहीं की जरूरत नहीं कर सकते आप, आप उनके सामने किसी किस्म की फ्राई चीज भी नहीं खा सकते, तली हुई तली चीज, जवानी पर बात कर रहे थे। तो वन एंड ओनली मिस्टर शाहिद भाई, शाहिद भाई, The amazing Shahid भाई, मेकअप में जरूर खा सकते हैं, उबलांड आप खा सकते हैं। शाहिद भाई माशाल्लाह, ये कोई मतलब आपको ट्रोल नहीं, बड़ी सीरियस बात है। शाहिद भाई यहाँ पे हम सबकी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बात बात पे ही हमें गाइड करते रहते हैं। तो अब मैं शाहिद भाई को, शाहिद भाई चिप्स क्यों नहीं खा रहे थे आप? वो आलू की चिप्स थी, सिंपल गैस आलू की चिप्स फ्राई, उसके ऊपर कच्ची मिर्च लगी थी, वो गला खराब कर दिया, लिदा खराब कर दिया, गैस कर दी है। तो क्यों हम अपना गला खराब करें, लिदा खराब करें, इससे बेहतर है कि हम दो कुछ टुकड़े खाए ही ना, इससे बहुत मुश्किल हमारे लिए मुसीबत का बाइस बने। ये तो बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, ये तो खासे तो मुश्किल, कच्चे मेल भी खाते हैं, हमारा काम है इनको बताना, अगर माने ठीक है, ना माने तब भी ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, यार चिप्स जी खाई मैंने, आलू वाली चिप्स नहीं होती
कच्ची मिर्च लगी हुई थी उस पे यार, वो कुछ तो डालेंगे ना उसके ऊपर। देखा नाजरीन, ये इस तरह की नेमत जो है ये बहुत कम मिलती है। एक और बहुत अजीम मस्ती बैठी हुई है, टाइगर टाइगर जी। अस्सलाम वालेकुम, दी हाइब्रिड कैसे हैं? हम कैसे करूं ठीक है? और सुनाएं आंदोली भाई, ये मतलब मैं शुरू किया ये। हां यार, जरा आवाम जो है वो देख नहीं रही, तो डेली एक ब्लॉग की जरूरत है। इस वजह से ब्लॉग की जरूरत है, इसका मतलब आप ब्लॉग बुला रहे हैं जी। मुझे ये बताएं, ये जो चिप्स थी मैंने आपको ड्रॉपर किया है, हाँ ये अभी जो रिकॉर्डिंग पे हमने मतलब सईद मार्ट के बाहर, हाँ कैसी थी? अच्छी थी, मज़ेदार थी, खाने वाली थी, अच्छी चीज़ होती है। लेकिन ये है कि ये बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए बंदे को, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग होते हैं, हमने मतलब काम करना होता है, कभी रात को, कभी दिन को, कभी सुबह को, कभी मतलब जब सूरज जा रहा होता है, हमें अलविदा कर रहा होता है सूरज। तो वो दिन टल दे ही हो जो शुरू दिन बलिए, इनका ये मतलब है। तो उस वक्त ये कुछ चीज़ें होती है ना, ये बंदा एंजॉय करता रहता है। अभी हम देखें ना, सर्दी हालांकि दिसंबर आ गया, सर्दी फुल आ जानी चाहिए, लेकिन अभी हमने किन्नू खाए हैं, फ्रूटर खाए हैं नमक के साथ, कितना एंजॉय किया है एक रिकॉर्डिंग पे किया। और आने वाले दिनों में हम फिश पार्टी, और जल्द से जल्द आने वाले दिनों में एक फिश पार्टी भी करने लगे हैं ऑफिस में, तो वो बड़ी शानदार पार्टी होनी है। यहाँ पे फिश चलनी है और हमने खुद ही फ्राई करनी है, खुद ही लेके आनी है और खुद ही नॉइज करनी है। आए ओए मज़े। दिसंबर के शुरुआत पे कोई बात करें, दिसंबर के ऊपर एक बात करते हैं। मेरी बर्बादी में पूरा साल शरीक है, सिर्फ दिसंबर का कसूर नहीं। ये जो दिसंबर के नाम से शेर आने हैं ना, ये उनके लिए जी। दिसंबर के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो इंतजार कर रहे हैं वो दिसंबर की सर्द रातें और भीगी भीगी, क्या कहते हैं, भीगी 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 दोपहरें, भीगी बरसात। अच्छा यार, दिसंबर एक ऐसा मौसम है जो, दिसंबर एक महीना नहीं है, मौसम है ना दिसंबर तो में, लेकिन दिसंबर का एक समा होता है, सर्दी धुंध होती है, तो वो अभी तक देखने को नहीं मिली, उसका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि दिसंबर का समा आए। सर्दी वैसे मेरे ख्याल में गाय सर्दी सिर्फ रह गई है दिसंबर के आखिरी 10 दिन की। सर्दी तो आती नहीं है वो। दिसंबर एक बड़ा प्यारा और अच्छा सा मौसम है दिसंबर में इंतजार। दिसंबर एक महीना है भाई यार, सर्दी का मौसम होता है हमारे यहाँ, मतलब लव करते हैं, तो दिसंबर एक ऐसा मतलब महीना है, मौसम है, जो मतलब बंदा एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठता है, एक चाय लेता है, चाय की पी। ओ यार अल्लाह की कसम, रोजाना मिलजुल के ऐसी चाय पीते हैं, पूरी गर्मियां जब भी मिलजुल के चाय पीती है, गल नहीं बनी दिसंबर में मिलजुल। लेकिन एक बात है अली भाई, मैं बताऊं, मैं मिलजुल के सूप जरूर पीते हैं। मैं बताऊं, सूप और तने ना सबसे जो फेवरेट चंक है पेटी नेड़े उधर जी भी लग रहा है, सबसे जो दिसंबर का अमेजिंग चंक है ना, वो कि सारे मिलजुल के मूंगफली खाते हैं। ये बात, आप कम से कम मूंगफली के चाह पा ली बिच चाह, मूंगफली। अच्छा यार, दो बंदे जड़े ने अपना शारी भाई ते टाइगर भाई, ना ना इधर ते मैं बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है, चाय ही पीनी हर टाइम। ये गलत है, मैं चाय नहीं पीता, क्योंकि चाय से मेरे बड़े कहते हैं कि रंग काला हो जाता है। चल यार कटाओ, मतलब ये जो जो भी अल्लाह ने देखे, अगर अल्लाह पाक ने आपको रंग दिया है, जो भी रंग अल्लाह पाक ने आपको दिया है, जो भी मतलब अल्लाह पाक ने आपको बाल दिए हैं या कोई भी कद काट दिया है, अच्छा अगर वो आपको नहीं पसंद तो आप कम से कम नहा सकते हैं डेली आप, ठीक है, जैसे भी आपको अल्लाह पाक ने रंग दिया आप नहाए तो सही डेली। बाल हैं आपको अपने बाल नहीं पसंद आते, अल्लाह पाक ने आपके बाल बनाए हैं, तो अल्लाह पाक ने फैसिलिटेट भी आपको किया, आप चाहें उनकी कटिंग कराएं, ट्रिमिंग करवाएं। यार ना, इसका मतलब है कि मैं, हम नहा नहीं रहे, क्रिएटी 9T9T8 करवाएं उसको, क्रिएटेड 9 बोल दो यार, क्रिएट 9T2 समझने वाले भाई, इसका मतलब है कि मतलब हम नहाते नहीं है यार। हाँ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब ये जो ब्लॉग बना है मैंने नहाना है, आप नहाते हुए ब्लॉग बनाना है मेरा, वो नहीं तो वो बदतमीज नहाते हुए ब्लॉग नहीं बनाते भाई, भाई लाश दिखाने से वो हिट आ जाती है। अरे भाई वो आपको नहाते हुए नहीं देख सकते। मैं चाहता हूं कि भाई वो क्या कहते हैं ना कि पंजाबी में, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, सर्दी जितनी भी हो नहाने वाले को कोई ढक नहीं सकता,
आपके काफी और अदीप के ऊपर तबर्रा है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और नहाने वाले को कोई डक नहीं सकता। भाई पानी कहता आंधियां यूं गम की चली के चमनों जब के जाती है। हाय हाय आगे की पानी। ये दूसरा मिसरा था, पहला आप ही ला लियो। दिसंबर पे बात हो रही थी। दिसंबर मेरे लिए कभी इतना खास नहीं था क्योंकि सवाई सब वाले से केस में जैकेट्स वगैरह बंदा पहन लेता है। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा दोस्त मिला जिसकी माशाल्लाह दिसंबर को बर्थडे है। ओए यार आ दे यार तो मैं बर्थडे कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं अच्छा अली भाई नेक्स्ट दिसंबर में मैंने भी अपनी बर्थडे रखनी है। आप दिसंबर बहुत खास है। खास है अली भाई के लिए शूट के मुताबिक ही होता ना। अगर कॉमेडी कर रहे हो तो फीलिंग्स हो जाती है। अगर कोई मतलब सीरियस रोल कर रहे हो तो उस तरह की होती है। प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती है बड़ी होती है। बंदा अपने माइंड बना रहा होता कि लाइन मैं इस तरह बोलूंगा इस तरह बोलूंगा तो कुछ भी जब मैच नहीं कर रहे होते उन्होंने ऐड करना पैंता। डायरेक्टर नहीं अच्छे लगते या राइटर नहीं अच्छे लगते या असिस्टेंट नहीं अच्छे लगते। बंदा पूरा जोर ना परफॉर्म कर रहा होता तो फिर कट उस तो बाद दिल करता हट बस।